अमेरिका के नए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के एक बयान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान पर अमेरिकी राजदूत के साथ बुरा बर्ताव का आरोप लगाते हुए अपने सांसदों को बताया है कि पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता की समीक्षा की जा रही है। पोम्पियो सांसद डाना रोहरा बाचेर के उस प्रश्न का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि अमेरिका को पाकिस्तान की आर्थिक सहायता तब तक रोक देनी चाहिए जब तक वो डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा नहीं करता। शकील अफरीदी वही डॉक्टर हैं जिन्होंने खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद की थी। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में रोहरा बाचेर ने कहा कि पाकिस्तान के मामले में हमने 2018 में कहीं कम धन जारी किया है, बाकी बचे धन पर विचार किया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि ये राशि भी कम ही रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफरीदी को अब भी जेल में रखता है तो उन्हें पाक को आर्थिक सहायता देने का कोई कारण समझ नहीं आता। सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि आर्थिक सहायता के अलावा अमेरिका को पाकिस्तान में अपने राजनयिकों के साथ हुए सलूक को भी ध्यान रखना चाहिए। CIA चीफ रहे माइक पोम्पियो के तेवर से साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है।